ये क्या है? ये मशीन है, तो एक कलर मैच करने के लिए जो नई मशीन मंगाई थी ना, उस दिन ट्रायल हुआ था कुछ दिन पहले, तो ये अभी अपना मशीन आ गया है। आज कंपनी वाले आ रहे हैं अभी, तो इसका हमको टेस्ट करना है, उसका यूज वगैरह दिखा देंगे उसमें। तो ये मशीन है, बेसिकली पैनल के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे वो कलर आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर उसका फॉर्मूला बताता है सिस्टम में। चलो एक बार देख लेते हैं, कंपनी वाले आ गए नीचे, अभी उनसे बात कर लेंगे। अभी अपने पास पैनल पेंटिंग के लिए दो, एक वेंटो एक मर्सिडीज है, तो दोनों का कलर इससे मैच करके देखेंगे कितना परफेक्टली मैच हो रहा है। परीक्षित सर भी आने वाले एक 10-15 मिनट में, तो वो भी फिर ज्वाइन कर लेंगे। बैंक स्केल का क्या हुआ? बैंक स्केल वाला तो हम पूरा कैसे देखेंगे? हम करेंटली वर्कशॉप में कई चेंजेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो पेंट सिस्टम है उसको भी हम काफी हद तक ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उससे रिलेटेड जो नए पेंट सिस्टम बैठे हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो आज चल रही है। आप अभी किस चीज का ट्रेनिंग ले रहे हो? सर ये इससे कलर बनाएंगे, ठीक है, और कैसे यूज करना है वो सिखाऊंगा। जैसे हमने उस दिन दिया था ना, उनका हैंड्स ऑन बनाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो हमने बात किया था, जैसे पूरा सिस्टम समझने का, आप उसके बिना कैसे करोगे? अभी पूरा सिस्टम कैसे समझाओगे? तो हम पहले उससे स्टार्ट करते थे। किससे? सॉफ्टवेयर जो है ना, पेंट मैनेजर, उसके अंदर इन्वेंटरी कैसा डालना है वो सिखा देते हैं, ठीक है, और फिर ये डीजी मैच का इसका फॉर्मूला लेके कैसे इसके अंदर। मेरे को एक बात बताओ, इन्वेंटरी लेने का पूरा उसमें सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी लेगा, उसके बाद में जब हम कलर बनाएंगे तो वो कलर कोड इससे रीड करेगा, उसके बाद कलर वो जब बताएगा एक एक टिंटर टिंटर वाइज डालना है, वेइंग स्केल में करेक्शंस बताएगा, वो कैसे बताएगा? इसमें होगा वो पूरा ऑटोमेटेड जैसे वो था? इसमें होगा ना, अभी इसमें सिर्फ एक अडैप्टर, हम इसको अडैप्टर का क्या काम है कि वो कनेक्टेड रहेगा ना इसमें। तो जब कर ही नहीं पाओगे तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? मेरे को एक बात बताओ, आधा ट्रेनिंग का मैं क्या करूंगा? वापस आओगे, वापस सिखाओगे? जब बात पूरे सिस्टम का हुआ तो पूरा सिस्टम क्यों नहीं है उसमें? अभी वेइंग स्केल हमारा अवेलेबल हुआ। आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो टॉप टू बॉटम पूरे की दोगे ना, कि शर्ट पहनना सिखाओगे पैंट पहनना नहीं सिखाओगे? ये कैसा है हिसाब? हमारे पास ये सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं है, उसका जो डिजिटल वेइंग स्केल है वो भी हमको वर्कशॉप में चाहिए। तो हमने जस्ट टीम को बोला है कि वो वेइंग स्केल मंगा के लो, ताकि ये पूरी ट्रेनिंग एक ही बारी में कंप्लीट हो सके, हमको दो बार तीन बार नहीं करनी पड़े। बहुत जरूरी है ये, क्या है हमारा भी टाइम वेस्ट होता है मल्टीपल टाइम सेम चीज समझने में, और आधे सिस्टम के साथ में हम कितना समझेंगे। वेइंग स्केल अरेंज करो मेरे को टॉप टू बॉटम, पूरा सॉफ्टवेयर और वेइंग स्केल और स्पेक्ट्रोमीटर और पूरा एक साथ में सारा समझ के चाहिए। वेइंग स्केल का अरेंजमेंट करो। क्या ये कार डेकोर एक्सेसरीज का है? ये अभी काम करेगा, ये सबसे लड़े यार, फुल फ्लेश बोर्ड छपवा दिया। मुझे अभी मेरे एक कॉलिग से कॉल आया है कि पुणे में, मतलब पिंपरी चिंचवड़ साइड में, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, किसी ने ब्रोमोटिव के नाम से कार डेकोर शॉप शुरू किया है। मुझे बोर्ड का भी फोटो आया है और गूगल पे भी मुझे लिस्टिंग मिला है। मेरे को उनके ओनर से एक बार बात करनी है अभी, कि उन्होंने नाम क्यों रखा और उन्हें नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कस्टमर्स को गुमराह करता है। वहाँ से जो भी आएगा जाएगा वो ये सोच लेगा कि ये हमारा शॉप है, और हो सकता है वहाँ पर जाके मिले और काम भी करवाए और उसका एक्सपीरियंस वो ना रहे जो होना चाहिए। हेलो, ये ब्रोमोटिव कार डेकोर का नंबर है ना? हाँ, ब्रोमोटिव। आपके ओनर हैं उधर, बात कराएंगे उनसे? हाँ, करा था। हेलो, हाँ जी, जी किससे बात हो रही है मेरी? मैं ब्रिजेश बात कर रहा हूँ। ब्रिजेश जी, मैं ब्रोटोमोटिव से बोल रहा हूँ पुणे से। मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि आपने दुकान खोली है हमारा नाम यूज करके। आपका नाम तो यूज नहीं कर रहे हैं सर। नहीं कर रहे हैं? नहीं। पक्का? पक्का। अच्छा, तो ये नाम कहाँ से आया आपके पास में? नाम नेट पे से लिया सर। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूँ, एक तो आप मेरे सेम शहर में बैठे हो, दूसरा मेरे पास ट्रेडमार्क है, तो या तो ये प्लीज अपने ठीक तरीके से अपने नाम पे धंधा कीजिए, दूसरों के नाम पे मत कीजिए। मेरी बात किससे हो रही है? परीक्षित से हो रही है, मैं ब्रोटोमोटिव का फाउंडर हूँ। हाँ, तुम खुद करो ना यार जो तुम्हें करना है यार, तुम ये कोई तरीका थोड़ी होता है। क्लियरली तुम कॉपी कर रहे हो, वहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हो, वहाँ पे कस्टमर आएगा तुम उसको चेप दोगे कुछ भी पकड़ के। लाइयो वापस कॉल लगाइयो। हेलो जी, आपको आउट ऑफ गुडविल मैं एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, आपने एक्ट करना है तो कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
मेरा सिंबल भी अलग है। कहाँ से सिंबल अलग है? आपने फॉन्ट भी सेम यूज किया है, आपने नाम भी हमारा रिप ऑफ किया है। दो लेटर बीच में से हटा देने से आपका नया ब्रांड नहीं बन जाता है। हमने 8 साल काम किया है इस चीज पे। मेरा रजिस्टर फॉर्म जो है रजिस्टर्ड फॉर्म से नहीं होता है। बोर्ड पे नाम लगाया आपने, रजिस्टर्ड फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरा ब्रांड, मेरा ट्रेडमार्क, मेरा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कर रहे हो। आप सोच लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आप अपने बलबूते पे अपने कस्टमर्स गेन कीजिए, मेरे नाम का क्यों फायदा उठा रहे हैं? हमने उस नाम के लिए काम किया है। सुनो, मैं रखा था घर में 17-18 साल के बच्चे हैं, बोले अंकल कुछ यूनिक रखेंगे। हाँ, तो उनका दिमाग है, तो इसमें अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो मैं भी मेरे बंदे से बात कर लेता हूँ, चेंज कर लेंगे। हाँ, आप गूगल पे जाके खाली ब्रोटोमोटिव सर्च कर लीजिए। सुनिए ना सर। हाँ, मैं तो फ्रेंकली बता रहा हूँ, उस नाम से मेरे को तकलीफ ये हो रही है कि कस्टमर आता है वो ब्रोमोटिव समझ के, ब्रोटोमोटिव समझ के मॉडिफिकेशन की डिमांड करते हैं। हाँ, तो इसलिए एक्सेसरीज। राइट, आई अंडरस्टैंड दैट। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप अपना नाम उसमें चेंज कर लें। लोगों को क्या होता है, गलत फहमी होती है इन सब चीजों से। मैंने ये नाम खुद बनाया है, हमने 6 महीना सोच के हमने नाम बनाया है। मेरे बंदे से मैं बात कर लेता हूँ, ऑलरेडी मेरा लीगल डॉक्यूमेंट वैसे भी होना है, मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मेरे को किसी के कुछ पैसा कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अपने बलबूते पे चीजें बिल्ड करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गुडविल को अगर हार्म पहुंचेगा या हमारे कस्टमर वहाँ पे जाएंगे ये सोच के कि वो हम हैं, और वहाँ पर अगर काम करवाएंगे किसी भी तरीके का, उस चीज का फायदा उठाना वो चीज गलत है। तेरे घर के पास है ये सारे कांड, तेरे घर के पास होते हैं। तू फेविकॉल खरीदता है क्यों? तेरे को फेविकॉल पसंद है, यूज करने में आसान है, ट्रस्ट है। उसी नाम का और एक कोई कंपनी फेविकॉल बना देगी तो दिक्कत नहीं होगी क्या? हाँ, ये तो है, और मेरा ट्रस्ट भी उठ जाएगा अगर वो खराब हुआ प्रोडक्ट। मैं मेरे को ये नहीं समझता मैं हाइपर क्यों हो जाता हूँ इतना यार। आई थिंक सम ऑफ इट हैज टू डू विद मेरे को ये चीजें अफेक्ट करती हैं। हमने इतनी मेहनत की है ना वो बिल्ड करने के लिए, इट इज सो क्लोज टू आवर हार्ट ना, कि कोई उसका मजाक करता है ना थोड़ा भी तो मेरे को अंदर से मेरा खून खौलता है। इनका प्रोमोटिव लड़कों ने बताया था आपका कॉल आया था। हाँ, मैं ओनर एक्चुअली मैं ही सर, मैं राजस्थान से हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है सर, मैं उसको चेंज करवा दूंगा, है ना? ठीक है सर। अंदर अंदर आपका भी बिजनेस है ना, तो मैं भी क्या सर, अपन बिजनेस मैन है तो अपन बिल्कुल भी ऐसा कुछ चाहते ही नहीं है जी। तो मैं उसको एक हफ्ते में मैं चेंज करवा दूंगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ग्रेजेस नहीं, नहीं मेरे कोई ग्रेजेस नहीं है सर, मेरा काम है देखिए एक्सप्लेन करना। मैंने भी बहुत मेहनत की है, आप भी अपने कोई ब्रांड बिल्ड करते हो या किसी नाम से कंपनी खोलते हो, आप भी चाहोगे कि आपका नाम प्रिजर्व रहे, और कोई लॉजिक नहीं है। गॉड ब्लेस यू, आपका काम बहुत आगे बढ़े, मेरा उसमें कोई गिले शिकवा नहीं है। मेरा बस कॉल करने का यही एम था कि कस्टमर्स को ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। यस सर, यस। यार मेरे से ना गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती यार, मेरा दिमाग ही वैसा है, मैं क्या करूं? मैं गलत काम करने से डरता हूं, और कोई मेरे साथ गलत काम करे ना तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करता। ये गाड़ी हमारे पार्क एंड सेल मॉडल में सेल हुई है, आज क्लाइंट आ रहे हैं डिलीवरी के लिए, बस रेडी करवा रहे गाड़ी, क्लाइंट जैसे ही आते हैं डिलीवरी देते हैं गाड़ी। जी हमारे बच्चे ने इंग्लैंड रहता है, उसने जो है देखा गाड़ी को, देखने के बाद उसको गाड़ी पसंद आई, हमको भेजा, हमने गाड़ी देखा, गाड़ी बहुत अच्छी लगी, इसके लिए हम लोग ने ये गाड़ी को डील कर लिया, ले लिया। यहाँ पे डिलीवरी बहुत अच्छी रही, कोई परेशानी नहीं आई, जो भी था बहुत अच्छा था, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने हमारा हेल्प किया और कोई तकलीफ नहीं हुई है, जो भी है डिलीवरी जी। चलो थैंक यू। गणेश इधर आइयो, ये क्या बना के दिया है यार, ये हिल रहा है पूरा, ये पहले बनाई थी अभी बनाई है, देखिए पूरा हिल रहा है, ये निकालियो इसमें से बाहर, ये अभी नहीं बनाई है। हाँ, कैमरा क्या चेक कर रहे हो तुम? बोल रहे बोनेट के ऊपर डेंट है अभी। हाँ, वो वाला पहले नहीं था। हाँ, पहले भी नहीं था और डिलीवरी तो भी नहीं था। हाँ, उसका वीडियो बना के दे, वीडियो बना के संडे को आधी डिलीवरी हुई। हाँ, आज बोल रहे मैं ड्राइवर आए थे उस दिन, डेंट है बोनेट के ऊपर। हाँ, जब गाड़ी ऐसे आ रही है सब तो लाइन डिलीवरी के।
और अभी वो दिख रहा है, वो लाइन मिल रही है। हाँ। सर को वही बोला कि सर डिलीवरी तक तो मैं क्लियर हूँ कि यहाँ पे नहीं हुआ है, मैंने चेक किया इन्वेंटरी फोटोज ये वो सारा, लेकिन बाद में दो दिन हो गए सर, अभी आप भी नहीं थे वहाँ पे गाड़ी के पास, मैं भी नहीं था। ठीक है ना, तो अभी वो जब गाड़ी डिलीवरी के लिए यहाँ तक लाया था वो एक वीडियो, और अभी वापस वैसे ही गाड़ी पीछे लेके आगे लेके आया, तो उसमें दिख रहा है वो डिटेल दोनों भेज देता हूँ। ठीक है नौशाद भाई, इसके पीछे क्रॉस मेंबर है क्या? हाँ है ना, सपोर्ट तो वहाँ पे अगर सीलेंट भरे तो उससे नहीं उठेगा बाहर का सीलेंट, नहीं वो डालते ना तो फोम, एक्सपेंशन फोम। हाँ वैसा कुछ डाले तो रुक सकते, एक्सपेंशन फोम। इसको खोलिए जरा एक मिनट, चेक करें पीछे का है। गाड़ी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पीपीएफ की थी और डिलीवरी भी कर दी थी, अभी कुछ दिनों बाद कस्टमर ने गाड़ी जब देखी है तो बोनट पे एक छोटा सा डेंट है अंदर दबा हुआ है। अब नेचुरली जब हमने पीपीएफ किया या जब हमने गाड़ी दी तब वो डेंट नहीं था, बाद में भी हो जाता है, कभी कोई चढ़ जाता है, कुत्ता आके बैठ जाता है। कस्टमर ने अभी नोटिस किया है, हम लोग देख रहे हैं कुछ सोल्यूशन अगर हो सकता है, ऐसे मुश्किल ही है पर कोशिश करने में क्या जाता है। इसमें प्ले नहीं है, देखो इसमें प्ले नहीं है, ये वाले में प्ले है। देखो अगर उसको थोड़ा पैकिंग कर सके तो उठ जाएगा सामने से पैनल, थोड़ा उठ गया ना काफी, पहले से तो बहुत कम हो गया, अभी नहीं पता चल रहा। क्या डाले आप? खाली छू दिए, थोड़ा सा मारा मैंने अंदर। अच्छा मारा है, पर ये तो ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वापस दबेगा वो। नहीं लेकिन फिर ज्यादा मारेंगे तो त्वचा वगैरह कुछ ना आ जाएगा। पर मारो मत ना ज्यादा उसको अंदर से कुछ। हाँ एक बार ऐसा रख मार के देख। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा पैकिंग कर दो तो पकड़ के रख ले उसको। नहीं है रहता तो यहाँ चमक मार लगे। हाँ दिख के आता है आज का है, दिख रहा है क्लियर उठता है, वही हुआ है उठा गया पर थोड़ा उठा है। क्या होता है सब छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, इन्वेंटरी भी इसलिए लेते हैं कि बाद में कहीं हम पे बात ना आए, बट थोड़ा बहुत चलता रहता है। अभी कस्टमर की भी गलती नहीं है, हो सकता है किसी और ने जैसे बच्चा बिठा दिया हो या कोई कुत्ता आके बैठा हो तो बीच में थोड़ा सा दब गया, रिजॉल्व कर दिया हम लोग ने। बट बिजनेस का सारा पॉइंट ये है कि सर्विस अच्छी देनी चाहिए और जो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है वो रिजॉल्व करनी है, पर जहाँ अपनी गलती नहीं है वहाँ पर गलती एक्सेप्ट नहीं करनी है, रिजॉल्व ज़रूर करनी है पर ठीक ढंग से। ये आज 2 साल के बाद मेरे को पता चल रहा है यार, ये शर्ट मैंने खरीदी थी उसके लिए, वो जो रैंप वॉक के लिए, और मैंने उस दिन पहनी थी एक बार, उसके बाद 2 बार पहनी पता ही नहीं चला। अभी वॉशरूम गया, मैंने बोला ये क्या लग रहा है यार, देखा तो ये लगा हुआ है। लोग सोचे अभी शोरूम जाओगा वो बोलेंगे चोरी करके शर्ट लेके गया। चोरी करके लेके गया और उसके बाद निकलवाने भी हमारे पर पड़े। निकाल दे यार ऐसा ना वो पकड़ के ही बिठा ले पापे। ये कैसे निकलेगा ये? निकालते इधर। अच्छा ठीक है करके निकाल दे यार। तो आपने इसका नाम बिल्ला सिंह ही रख दिया है क्या? यस सीध बिल्ला सिंह। आओ इधर आओ, ये लो जेंटलमैन, इधर आओ, एक आंख वाले जेंटलमैन इधर आओ।